शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी मैट्रिमोनियल साइट चलाकर शादी के इच्छुक लोगों को ठगने का काम करता था। इस गिरोह के शिकार 11 राज्यों में फैले। पिछले दो साल के भीतर इस गिरोह ने सैकड़ों लोगों को लाखों रुपए की चपत लगाई। आरोपियों के कब्जे से पुलिस को बड़ी संख्या में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि मिले। आरोपियों के कब्जे से पुलिस को बड़ी संख्या में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि मिले हैं। इस गिरोह के जाल में आम लोग, कारोबारी सहित पुलिस कर्मचारी और समाज के अन्य तबके के लोग आए हैं। पकड़े गए लोगों में 4 लड़कियां हैं, जबकि 2 इनके सहयोगी पुरुष भी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस का कहना है कि कंप्यूटर और लैपटॉप के भीतर का डाटा निकालने के बाद इस गिरोह की कारगुजारियों के कुछ और खुलासे हो सकते हैं। दरअसल पुलिस अधीक्षक को इस गिरोह के बारे में पिछले दिनों शिकायत मिली थी। इसके बाद एसपी ने क्राइम ब्रांच पुलिस को अलर्ट किया और इस गिरोह पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें अंजलि बैस, नीलू गर्ग, अंजना डोंगरे, अतुलपाल, कोमल पखारी और जयदीप कुमार शामिल है। सोमवार को पुलिस को जानकारी मिली थी कि आदर्श कॉलोनी में रिश्ते.com के नाम से फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। पुलिस की टीम ने आदर्श कॉलोनी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पीछे वाली गली में स्थित मकान पर छापा मारा और इस मकान की 4th मंजिल पर वहां एक कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था। क्राइम ब्रांच को मौके पर ही 2 लड़कियां ग्राहकों से बात करती हुई मिली और दोनों लड़कियों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि सेंटर बिरला नगर और बलवंत नगर में रहने वाली 2 महिलाओं द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। उन लड़कियों ने यह भी बताया कि ग्राहकों से बात करने के लिए फ़ोन और सिम कार्ड संचालित उपलब्ध कराती है। इन लड़कियों ने यह भी बताया कि ग्राहकों से पैसे ट्रांसफ़र कराने के बाद वह सिम को ब्लॉक कर देती थी। इन लड़कियों ने यह भी बताया कि विवाह बंधन नाम से एक और मैट्रिमोनियल साइट कालपी ब्रिज कॉलोनी में भारतीय निवास में चलाई जा रही, वहाँ भी पुलिस ने दबिश देकर 4 लड़कियों को फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ा। लड़कियों ने बताया कि वह पिछले 7 महीने से यहाँ पर काम कर रही है। उन्होंने भी ग्राहकों से बात करने के लिए फ़ोन और सिम कार्ड सेंड कॉल सेंटर संचालक द्वारा दिए जाने की बात बताई। कहता था कि ये जो लड़कियां, नाबालिग लड़कियां हैं जिनकी वॉइस थोड़ी सी ठीक है, जो कि बोलने में थोड़ी एक्सपर्ट हैं, उनको ये हायर करते थे। बहुत छोटे अमाउंट पे ये रखते थे और उनका काम कॉल करने का होता था। और इस तरह की जो बच्चियाँ थीं वो ग्राहकों को बात करती थी इनके कहने पर। उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है नाबालिग हैं और कुछ समय करती थी, वो आगे चल के हमारे विटनेस के रूप में भी काम करेंगे। अभी 419-420 भारतीय दंड विधान के तहत थाना अपराध शाखा में प्रकरण दर्ज किया गया। सर, किस तरह से पूरा रैकेट का खुलासा किया है और कब से लोग संचालित कर रहे हैं? आज क्राइम ब्रांच ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाने वाले 6 सदस्यीय गैंग को पकड़ा है, जो कि अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से ये मैरिज ब्यूरो संचालित कर रहे थे। इसमें कुल 4 महिला और 2 पुरुष आरोपी पकड़े गए हैं। 419-420 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध थाना क्राइम में दर्ज किया गया है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में इन रजिस्टर्स जब्त किए गए हैं, जिसमें ठगे गए ग्राहकों के नाम, पते और उनसे कितना पैसा लिया गया है उसका उल्लेख है। काफ़ी बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आदि जब्त किए गए हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी अर्थात इनकी कार्यप्रणाली इस प्रकार की रहती थी, इनकी वेबसाइट पर जैसे ही कोई जाके और वधु के लिए अपना बायोडाटा भेजता था तो ये इसको कॉल लगाते थे और कॉल लगा के बताते थे कि आपके लिए हमने फला लड़की मैच की है, और उस लड़की का एक फ़ोटोग्राफ ये इंस्टाग्राम, फेसबुक या गूगल से जाके निकाल के उसको भेजते थे कि ये लड़की है, और उस लड़की की जगह कोई अन्य लड़की टेलीफोन से बात करना आरंभ कर देती थी। इसके बाद ये इनसे बहुत छोटा अमाउंट 2000, 4000, 5000 से लेकर 10000 रुपये तक अकाउंट में डलवाते थे और उसके बाद उसको ब्लॉक कर देते थे। अभी जो हमको प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1000 से ज़्यादा ग्राहकों को इन लोगों ने 11 राज्यों में भारत के ठगा है। और अभी चूंकि मैंने बताया कि दस्तावेज बहुत ज़्यादा संख्या में मिले हैं, इनको अभी हम और प्रॉपर स्कैन करेंगे तो पता चलेगा। कुल मिला के ये लगभग 1.5 से 2 साल की अवधि में इनके द्वारा ये ठगी का कार्य किया गया है, और अब इनके पकड़े जाने से मुझे उम्मीद है कि क्षेत्र में बहुत सारे लोग ठगने से बचेंगे। इनको अभी क्राइम ब्रांच में अरेस्ट करके और अभी पूछताछ जारी है, और ये एक बहुत ही बढ़िया इनपुट मिलने पे संयुक्त कार्रवाई क्राइम ब्रांच के द्वारा की गई। आरोपी जो है, इनकी क्या बैकग्राउंड निकल के आए, लोकल के ये लोग
नहीं, ये सभी छयों लोकल के हैं और पिछले दो साल से इस तरह से काम कर रहे थे। ये इसमें जो एक बहुत बड़ी बात है, ये ग्वालियर में, चूंकि ग्वालियर के रहने वाले हैं, यहीं संचालित कर रहे थे। यहाँ के लोगों को ये एंटरटेन नहीं करते थे, ये बाहर के लोगों को एंटरटेन करते थे, जिससे कि शिकायत भी यहाँ पे नहीं हो पाती थी, एक। और दूसरा, इन लोगों में से कुछ ने पहले जो रियल मैरिज ब्यूरो होते हैं उसमें भी काम किया है, कुछ ने कॉल सेंटर में काम किया है, और जो एजुकेशन बैकग्राउंड है इसमें कुछ ग्रेजुएट हैं और कुछ ट्वेल्थ हैं, परंतु कम्युनिकेशन में इन सब की मास्टरी है, मतलब जो हम बातचीत करते हैं, और इसके अलावा कंप्यूटर भी ये सभी को चलाना अच्छे से आता है। ये जो छः हम बोल सकते हैं संचालक हैं, और इनका एक मोडस ऑपरेंडी ये भी रहता था कि ये जो लड़कियां, नाबालिग लड़कियां हैं जिनकी वॉइस थोड़ी सी